चलिए हम डिस्क्रिमिनेंट लेके कर लेते हैं इसको जो है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, इसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के इक्वल करके यहां से ए बी एंड सी की वैल्यू लेके डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करके हम सीधे दरअचारे से इसका एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। इसको कंपेयर कर लेते हैं एक्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, कंपेयरिंग इक्वेशन टू विद ax2 + bx + c = 0, इसे हम कंपेयर करते हैं तो यहाँ पे जो a की वैल्यू जो आ जाएगी, a की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पे 1, एंड b की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे 2, एंड c की वैल्यू, चलिए c की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, इस 145 को हम इधर ट्रांसफर कर लेते हैं। चलिए इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं, x2 + 2x + 2, 145 इधर आ जाएगी, कितना हो जाएगा -145 = 0। चलिए 2 - 145 कितना हो जाएगा, ये x2 + 2x, ओके 2 प्लस का है एंड माइनस का है 145, मींस माइनस माइनस की वैल्यू बड़ी, मींस माइनस आ जाएगा, एंड 145 में से 2 माइनस करो कितना बचेगा यहाँ पे 143 = 0। तो यहां से जो c की वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, -143। चलिए तीनों वैल्यू आपके पास आ गई है, अब आपको क्या करना है, वही डिस्क्रिमिनेंट ले लीजिए एंड इसको सॉल्व कर लीजिए, इसको इसके इक्वल कर लीजिए यहाँ पे, सीधे दरअचार से सॉल्व करोगे। सीधे दरअचार का फॉर्मूला क्या होता है, x = आप सीधे दरअचार का फॉर्मूला लगाओ क्या होता है, दरअचार के फॉर्मूलास क्या होगा, x = -b + -√b2 - 4ac / 2a, यही होता है ना। चलिए यहाँ पे ये क्या देखा है, ये जो है डिस्क्रिमिनेंट हम पहले फाइंड आउट कर लेते हैं, इसलिए यहाँ पे जो डिस्क्रिमिनेंट जो हम पहले फाइंड आउट करते हैं, b² - 4ac क्या होगा, b² - 4ac क्या होगा, b की वैल्यू यहाँ पे दे रखी है कितनी, दे रखी है 2, यहाँ पे क्या देखेंगे हम 2 का स्क्वायर - 4 * a, ये कितना देर का है 1 * c, c कितना देर का है -143। चलिए यहाँ से 2 का स्क्वायर कितना निकल के आ जाएगा, 2 का स्क्वायर होगा यहाँ पे 4। चलिए यहाँ पे -4ac, माइनस का 4, प्लस का 1 है एंड माइनस का 143 है, देखो माइनस माइनस को आप मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, एंड 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया 4, एंड 4 को 146 से मल्टीप्लाई किया कितना जाएगा 143 मल्टीप्लाई बाय 4 कितना हो जाएगा 572 हो गया, 572 ये कितना हो जाएगा 572, इसको आप ऐड कर लीजिए कितना हो जाएगा 572, ये कितना हो जाएगा 576, टोटल कितना हो जाएगा 576, जो b² - 4ac जो आपके पास आया वो कितना आ गया 576, वो आप यहाँ पे इस फॉर्मूले में पुट कर लेंगे, एक बार पॉजिटिव साइन लेके हम x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, एक बार नेगेटिव का साइन लेके यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। चलिए यहाँ पे हम ले लेते हैं x = यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारे पास -b कितना देर का है, मीन्स 2 - 2 + - चलिए ये कितना देर का है डिस्क्रिमिनेंट, ये कितना हो जाएगा b² - 4ac कितना रहता 576 अपॉन 2a, 2 * a, ये कितना देर का 1, 2 * 1 कितना हो जाएगा 2, ये कितना हो गया 2। चलिए अब हमें क्या करना है, एक बार पॉजिटिव साइन लेके x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, एंड एक बार जो है नेगेटिव का साइन लेके हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। आप क्या लिखोगे, केस फर्स्ट टेक पॉजिटिव साइन, जब पॉजिटिव साइन लोगे तो क्या लिखोगे -2x = कितना हो जाएगा -2, यहाँ पे पॉजिटिव का साइन देना है, प्लस एंड √576 कितना हो जाएगा इसकी वैल्यू, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, √576 को हम क्या लिख सकते हैं, √24 * 24 लिख सकते हैं, तो यहाँ से कितना बार आ जाएगा 24 बार आ जाएगा, यही होगा ना 4 * 4 = 16, एंड ये जब आप 24 * 24 करोगे तो 576 आ जाएगा। फर्स्ट वैल्यू से आपको 1 से आपको पता चल जाना चाहिए कि स्क्वायर रूट क्या होगा, ये आपको निकालना आना चाहिए, ये कितना हो जाएगा 24 / 2, तो यहाँ से
22 अपॉन 2 ये कितना हो जाएगा 11, प्लस का 11 आंसर आ जाएगा इधर। चलिए अब जो है एक बार हम माइनस का साइन देख लेते हैं, केस 2 देखिए इधर, केस 2 टेकिंग नेगेटिव साइन, ओके नेगेटिव साइन जब लोगे तो क्या लिखोगे, x इक्वल टू यहां से माइनस 2 और यहां पे प्लस का साइन हमने लेके सॉल्व कर लिया, क्या लोगे नेगेटिव का साइन लोगे माइनस एंड डायरेक्ट लिख लीजिए ये रूट 576 की वैल्यू कितनी आ रही थी 24 अपॉन 2। चलिए यहां से x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, दोनों माइनस की वैल्यू मींस ऐड हो जाएगी, साइन माइनस का रहेगा तो कितना हो जाएगा ये माइनस 2 एंड माइनस 24 कितना हो जाएगा माइनस का 26 अपॉन 2 और यहां से जो x की वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी 2 को इसे डिवाइड कर लिया माइनस 13। चलिए यहां से x की वैल्यू आ गई है माइनस 13 एंड यहां से जो x की वैल्यू जो मिली हमें वो कितनी मिली थी x इक्वल टू 11। चलिए x की वैल्यू जो है 13 के इक्वल नहीं करनी हमें, हमें क्या करना है x जो पॉजिटिव वैल्यू है हमें क्या देखा है यहां पे हमें पॉजिटिव ओड इंटीजर लेना है, यहां पे ये नेगेटिव है नेगेटिव नहीं लेना है, जो पॉजिटिव ओड इंटीजर आया है बस यही लेके हमें आंसर फाइंड आउट करना है। तो यहां पे हमने फर्स्ट पॉजिटिव ओड इंटीजर किया जाता है x, तो यहां पे x इक्वल टू कितना आ गया है 11 एंड सेकंड जो पॉजिटिव ओड इंटीजर होगा वो कितना हो जाएगा x प्लस 2 मींस x प्लस 11 इक्वल टू कितना हो जाएगा ये 13 ये होगा ना x प्लस 11 तो सॉरी x x कितना देर का यहां पे x जो हमारे पास आया है 11 प्लस 2 चलिए ये कितना हो जाएगा 13 जो आपके दो जो पॉजिटिव ओड इंटीजर जो पूछे थे क्वेश्चन वो फर्स्ट हो जाएगा 11 एंड सेकंड हो जाएगा 13 ठीक है ना। फर्स्ट पॉजिटिव ओड इंटीजर क्या हो जाएगा जो x था वो हो जाएगा 13 एंड सेकंड पॉजिटिव ओड इंटीजर कितना लिया था अपने x प्लस 2 मींस 13 फर्स्ट जो कितना आया ये 11 एंड सेकंड कितना आ गया था x प्लस 2 मींस 11 प्लस 2 इक्वल टू ये कितना हो गया 13 ठीक है ना। फर्स्ट जो आंसर होगा 11 एंड सेकंड आंसर हो जाएगा 13। तो ऐसे ही आपको ये फाइंड आउट करना मींस आपको लैंग्वेज को समझना है एंड इक्वेशन बनानी है, फिर इक्वेशन आप फैक्टराइज करके भी ले सकते हैं एंड डिस्क्रिमिनेंट लेके इसे दरचारे वाला फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं। मैंने यहां पे दरचारे वाला फॉर्मूला क्यों अप्लाई किया इधर देखिए, जो हमारे पास जो इक्वेशन आई थी x² + 2x - 143 इसको आप फैक्टराइजेशन से करने जाओगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे सर हम प्लस के 2x के फैक्टर क्या क्या है ठीक है ना, क्योंकि -143 को इधर 1 से मल्टीप्लाई करोगे यहां पे x² का कोफिशिएंट क्या है 1, 1 से इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो जो 143 आएगा 143 के 2x से पार्ट होगे जिनको आप ऐड या माइनस कर रहे हो तो प्लस का 2 आना चाहिए, तो ये आपको अज्यूम करने में टाइम लग जाएगा आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे, इससे बेहतर है कि आप सिर्फ दरचारे फॉर्मूला लगा लो यहां से x की वैल्यू सिंपली आप फाइंड आउट कर लोगे। लेकिन यहां पे अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन सिंपल आ रही बहुत ही सिंपल आपको डायरेक्ट देखते ही पता चल रहा है सर इसके फैक्टर यही होंगे तो फिर ये अप्लाई करने की जरूरत नहीं ठीक है ना। तो इसकी जो फर्स्ट पॉजिटिव ओड इंटीजर हो जाएगा वो हो जाएगा x एंड सेकंड पॉजिटिव ओड इंटीजर जो होगा वो x + 2 मींस 11 + 2 = 13 ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है इसका फोर्थ क्या दे रखा है, डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ टू नंबर इज 45। ओके मैं क्वेश्चन लिख लेता हूं, जो फोर्थ क्वेश्चन जो दे रखा है वो क्या दे रखा है, डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ टू नंबर इज 45 एंड स्क्वायर ऑफ
स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर, स्मॉलर नंबर इज 4 टाइम्स, 4 टाइम्स द लार्जर नंबर। फाइंड द टू नंबर्स, चलिए इधर देखिए जो फोर्थ क्वेश्चन दे रखा है वो क्या दे रखा है, डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ टू नंबर इज 45। ये बोल रहा है कोई भी टू नंबर्स का स्क्वायर का डिफरेंस जो है वो कितना है, 45 है, ठीक है ना। आगे क्या पूछ रहा है, स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर। चलिए मैं पहले लार्जर नंबर ले लेता हूं, मैं सपोज मेरे पास लार्जर नंबर x है, ठीक है ना। ये क्या बोल रहा है, स्क्वायर ऑफ टू नंबर इज 45 मींस x का भी मैं स्क्वायर कर लेता हूं, ठीक है ना। अब ये क्या पूछ रहा है, यहाँ पे डिफरेंस लेना है, डिफरेंस लेना मीन्स मैं माइनस कर दूंगा, डिफरेंस लेना मीन्स मैं माइनस कर दूंगा। आगे ये क्या पूछ रहा है, स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर इज 4 टाइम्स द लार्जर नंबर, मीन्स ये बोल रहा है जो सेकंड जो नंबर है उसका स्क्वायर क्या होगा, 4 टाइम्स द लार्जर नंबर। लार्जर नंबर x है तो इसका 4 टाइम्स मीन्स 4x, तो यहाँ पे इक्वेशन क्या बन जाएगी, एक्स स्क्वायर माइनस 4x इक्वल टू 45। बहुत ही इजी है, देखो आपको लैंग्वेज को समझना, लैंग्वेज क्या दे रखी है या फिर लैंग्वेज क्या दे रखी है, ये बोला है डिफरेंस ऑफ, डिफरेंस दे में सबने पहले डिफरेंस पे मैंने साइन लगा लिया, बोला डिफरेंस ऑफ टू नंबर इज 45, ये 45 ले लिया। ये बोला स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर, ठीक है ना, स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर। चलिए मैं स्मॉलर नंबर पहले ना लेके मैं पहले लार्जर नंबर लेता हूँ। लार्जर नंबर मेरे पास x है, x का मैंने स्क्वायर कर लिया क्योंकि दोनों नंबर का स्क्वायर करने को बोल रहा है, मैंने ये लार्जर नंबर ले लिया। ये जो मेरे पास लार्जर नंबर है ये क्या बोल रहा है, स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर इज 4 टाइम्स द लार्जर नंबर, मींस ये जो ये ऑलरेडी स्क्वायर की फॉर्म है, ये जो मैंने 4x लिया ये ऑलरेडी स्क्वायर की फॉर्म है। ये क्या बोल रहा है, जो सेकंड नंबर है, जो सेकंड नंबर है, जो स्मॉलर नंबर है वो क्या है, लार्जर नंबर का 4 टाइम्स है। तो लार्जर नंबर यहां पे कितना है, x, इसी का मैं 4 टाइम्स करना है, जिसको मैंने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है ना। तो ये कितना हो गया 4x, तो इसका जो दोनों का हमने डिफरेंस ले रहे हो, दोनों का जो हम डिफरेंस ले रहे हो कितना आना चाहिए, 45। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, x स्क्वायर माइनस 4x इक्वल टू 45। चलिए इस क्वेश्चन को स्टार्टिंग कैसे करेंगे, आप क्या लिखोगे, तो स्टार्टिंग करेंगे आप क्या लिखोगे, लेट लार्जर नंबर या लार्जर पार्ट ले लीजिए, लेट लार्जर पार्ट कितना हो जाएगा यहाँ पे x, ठीक है, ठीक है, ये हो गया लार्जर पार्ट, एंड स्मॉलर पार्ट कौन सा हो जाएगा, स्मॉलर पार्ट क्या हो जाएगा, ये क्या बोला है, 4 टाइम्स ऑफ लार्जर नंबर, तो मींस इसको मैंने 4 से मल्टीप्लाई कर लिया, ठीक है ना। अब क्या लिखोगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा, जो हमें क्या लेना है, जो दोनों का स्क्वायर लेना, मींस स्मॉलर नंबर का भी हमें स्क्वायर, स्मॉलर नंबर का स्क्वायर तो क्या हो गया, ये हो जाएगा 4x, ये जो है ऑलरेडी स्क्वायर की फॉर्म, आप लिख लीजिए स्मॉलर, यहां पे लिख लीजिए स्क्वायर ऑफ स्मॉलर पार्ट कितना हो जाएगा 4x, एंड लार्जर पार्ट हो जाएगा x, ठीक है ना। चलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या करना है, दोनों का स्क्वायर का डिफरेंस कितना आ रहा है, 45। तो फर्स्ट जो पार्ट लिया है वो x स्क्वायर एंड माइनस सेकंड का स्क्वायर, सेकंड टर्म्स का स्क्वायर कितना है 4x इक्वल टू, दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है 45। चलिए यही हमें जो है बस इक्वेशन बन गई, अब हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करके हमें x की वैल्यू अगर हम फाइंड आउट कर लेंगे तो दोनों का जो है फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट दोनों बता देंगे। चलिए यहां से इसको कन्वर्ट कर लीजिए, इसको 45 को इधर भेज दीजिए, इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में कन्वर्ट कर लीजिए। चलिए यहां से मैं इसको क्या लिखूंगा, ये जो इक्वेशन फर्स्ट है इसको मैं क्या लिखूंगा, x स्क्वायर माइनस 4x, 45 को मैं इधर ट्रांसफर करूंगा कितना हो जाएगा, माइनस का 45 इक्वल टू 0। चलिए अब देखिए ये जो टर्म्स आ गए हैं,
इसके हम ऑलरेडी इजिली फैक्टर ले सकते हैं, इसको जो है डिस्क्रिमिनेंट लेके इसी दरअचार से करने की जरूरत नहीं है। चलिए यहाँ से फैक्टर कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे x का कोफिशिएंट कितना है, 1 है, 45 को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ रहा है 45। अब हमें 45 के ऐसे दो फैक्टर लेने हैं जिनको प्लस या माइनस कर रहे हो तो यहाँ पे 4 आना चाहिए या माइनस का 4 आना चाहिए। चलिए देखो 45 के फैक्टर क्या क्या होंगे, एक तो मैं लिखूंगा सर 45 इंटू 1, ठीक है ना, और क्या क्या हो जाएंगे, और क्या 9 इंटू 5 भी हो जाएगा ना, 9 इंटू 5 करूंगा तो भी ये भी कितना आ जाएगा 45 आ जाएगा। चलिए और क्या हो जाएंगे 15 इंटू 3 ये भी हो जाएगा। लेकिन आप इधर देखिए ये जो 9 इंटू 5 आ रहा है, अगर यहाँ पे देखो माइनस 4 आ रहा है, मीन्स मैं अगर यहाँ से माइनस का 9 ले लूँ और यहाँ से प्लस का 5 ले लूँ तो प्लस का 5 एंड माइनस का 9, ठीक है ना, यहाँ से जो है मैं माइनस का 9 ले लूँ एंड प्लस का 5 ले लूँ तो ये कितना हो जाएगा, ये माइनस का 4 हो जाएगा ना, ये माइनस का 5 हो रहा है तो मीन्स इसके दो फैक्टर क्या होंगे, तो माइनस का 9 एंड एक प्लस का 5 हो जाएगा। इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 9x माइनस प्लस क्या लूंगा मैं 5x माइनस 45 इक्वल टू 0। देखिए माइनस 9x प्लस 5x लिखने से इस टर्म पे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, वापस 9x एंड 5x को आप जब सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का 4x हो जाएगा, मींस मैंने इसके फैक्टर कर लिए, ठीक है ना। अब यहां पे टू पेयर्स बन रहे हैं, x स्क्वायर माइनस 9x एंड 5x माइनस 45 कॉमन लेके सॉल्व कर लीजिए। यहां से कॉमन क्या आ जाएगा, यहां से x कॉमन आ रहा है तो अंदर यहां पे क्या बचेगा, x माइनस, यहां से x कॉमन ले लीजिए क्या बचेगा 9, ठीक है, यहां से प्लस, यहां से मैं कॉमन क्या ले लूं, यहां से 5 कॉमन अगर मैं ले लेता हूं तो इधर 5x से 5 में कॉमन ले लेते पीछे क्या बचेगा यहां पे x माइनस, यहां पे यहां से मैंने 5 कॉमन ले लिया मींस यहां से 5 को इससे डिवाइड कर लीजिए, 5 9 जा 45 तो यहां से कितना x माइनस 9 इक्वल टू 0। चलिए यहां से हमारे पास टू टर्म्स निकल के आ जाएगी, जो फर्स्ट टर्म निकल के आएगी वो क्या होगी, फर्स्ट टर्म हो जाएगी x प्लस 5 एंड सेकेंड टर्म्स क्या आ जाएगी x माइनस 9 इक्वल टू 0, ठीक है ना, x माइनस 9 इक्वल टू 0। जो दोनों टर्म्स को आप 0 के इक्वल कर लीजिए, या तो आपके पास x की वैल्यू कितनी हो जाएगी x इक्वल टू, या फिर आप क्या करें x प्लस 5 इक्वल टू 0 हो जाएगा, या फिर सेकेंड टर्म से होगा क्या होगा x माइनस 9 इक्वल टू 0। तो यहां से जो x की वैल्यू निकल के आएगी कितनी निकल के आ जाएगी, बस वैल्यू को इक्वल टू के साइन के उधर ट्रांसफर करना है, तो यहां से x की वैल्यू निकल के क्या आ जाएगी x प्लस 5 इक्वल टू 0, 5 को इधर ट्रांसफर करोगे तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा यहां पे माइनस 5, ठीक है ना, प्लस का 5 है इधर ट्रांसफर कर ले कितना हो गया माइनस का 5 एंड x माइनस 9, x की वैल्यू और क्या आ जाएगी यहां से x माइनस 9 से x की वैल्यू कितनी हो जाएगी माइनस 9 का इधर ट्रांसफर करोगे तो कितना हो जाएगा प्लस का 9। तो आपको माइनस वाला साइन लेना नहीं है, आपको क्या लेना है, इसको नहीं लेना, आपको क्या लेना है x प्लस x इक्वल टू प्लस 9 वाला लेना है, ठीक है। चलिए यहां से x इक्वल टू 9 आ गया, अब आप ऑलरेडी आप नंबर बता लोगे, जो लार्जर नंबर होगा, लार्जर नंबर क्या होगा, लार्जर नंबर आपने क्या लिया था x, जो लार्जर नंबर होगा, लार्जर नंबर आपने क्या लिया था x इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 9, लार्जर नंबर जो होगा 9 एंड स्क्वायर ऑफ स्मॉलर पार्ट, ये देखिए ये स्क्वायर ऑफ स्मॉलर पार्ट दे रखा है, तो यहां से देख लीजिए स्क्वायर ऑफ स्मॉलर पार्ट, ठीक है ना, स्क्वायर ऑफ स्मॉलर पार्ट कितना दे रखा है 4x, तो यहां से x की वैल्यू पुट कर लीजिए, x की वैल्यू कितनी है 9, 4 * 9 कितना आ गया 36। ये स्क्वायर ऑफ स्मॉलर पार्ट है, आपको तो ओनली पार्ट चाहिए, आपको तो ओनली नंबर चाहिए, ये नंबर का स्क्वायर है, आपको ओनली नंबर चाहिए, तो नंबर कितना हो जाएगा, जो सेकंड नंबर हो जाएगा, जो स्मॉलर नंबर हो जाएगा, जो स्मॉलर नंबर होगा वो कौन सा होगा, या स्मॉलर जो पार्ट होगा वो कितना हो जाएगा, स्मॉलर पार्ट जो होगा वो कितना हो जाएगा रूट 36, क्योंकि ये ऑलरेडी किसी नंबर का स्क्वायर है, तो ये 36 इसका स्क्वायर है, 6 का स्क्वायर है, तो यहाँ पे स्क्वायर रूट लगा दीजिए, रूट 36 की वैल्यू कितनी आ जाएगी प्लस माइनस 6, ठीक है ना, तो आपको 6 ही लेना है, या फिर प्लस या माइनस का 6, ठीक है, प्लस माइनस 6 दोनों हो सकते, दो लार्जर नंबर होगा उनके पेयर कौन कौन से होंगे, यहाँ पर जो नंबर होगा वो क्या होगा 9 एंड प्लस का 6 ये हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा 9 एंड माइनस का 6, ये दो आंसर हो जाएंगे, ठीक है। तो ऐसे ही इक्वेशन बना के इसको जो है सॉल्व करना है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। चलिए जो इसी का लास्ट क्वेश्चन है, ये जो मैं आपको इक्वेशन बना के दिखा रही हूँ, इक्वेशन कैसे बनेगी आपको होमवर्क में सॉल्व करना है, अगर आपसे सॉल्व नहीं होता है तो फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं इसी क्वेश्चन को कंटिन्यू करूंगा। देखो जो लास्ट क्वेश्चन है वो क्या दे रखा है,
डिवाइड 16 इंटू टू पार्ट्स, ठीक है, 16 को टू पार्ट्स में डिवाइड करना है। चलिए ये जो 16 है इसको हमें आपको जो है टू पार्ट में डिवाइड करना है। चलिए 16 को टू पार्ट्स में डिवाइड करना है। चलिए आगे जो आपको नहीं देगा कैसे डिवाइड करना है। चलिए अगर मैं 16 को टू पार्ट में डिवाइड कर लेता हूँ, जैसे मैं फर्स्ट पार्ट x ले लेता हूँ, फर्स्ट पार्ट जो मैं x ले लेता हूँ, सेकंड पार्ट क्या होगा, सेकंड पार्ट 16 माइनस x हो जाएगा, ठीक है ना। जैसे कि मैं फर्स्ट पार्ट x, जैसे कि मैंने 10 ले लिया है, 10 ले लिया है, तो सेकंड कितना बचना चाहिए, 6 बचना चाहिए, तो 16 माइनस 10 इक्वल टू 6 आ जाएगा। तो अगर मैं फर्स्ट पार्ट x ले रहा हूँ तो सेकंड पार्ट कितना हो जाएगा, 16 माइनस x हो जाएगा। नेक्स्ट ये क्या बोल रहा है, डिवाइड 16 इंटू टू पार्ट सच दैट टू टाइम्स द स्क्वायर ऑफ लार्जर पार्ट इज 164। ये बोल रहा है टू टाइम्स ऑफ लार्जर स्क्वायर ऑफ टू टाइम्स ऑफ लार्जर पार्ट। सपोज मैंने लार्जर पार्ट ये इसको ले रहा हूँ, अब ये लार्जर पार्ट का टू टाइम्स करना है, इसका भी स्क्वायर करना है, तो ये कितना आएगा, वन टू टाइम्स द स्क्वायर ऑफ लार्जर पार्ट इज 164 मोर देन द स्मॉलर पार्ट, ठीक है ना। ये है 164 मोर देन द स्मॉलर पार्ट। ओके ये बोल रहा है ये स्मॉलर पार्ट से 164 ज्यादा होगा, तो आप क्या कर लोगे, इधर जो है 164 ऐड कर लोगे और इसको इक्वल टू इसके कर लोगे। इक्वेशन समझ में आई या नहीं आई, आपको लैंग्वेज समझ में आनी चाहिए। अगर लैंग्वेज समझ में नहीं आई तो इक्वेशन समझ में नहीं आएगी। क्वेश्चन क्या बोल रहा है इधर देखिए, क्वेश्चन क्या बोल रहा है इधर देखिए, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, डिफरेंस ऑफ टू नंबर इच, सॉरी डिवाइड 16 इंटू टू पार्ट्स, 16 को टू पार्ट्स में डिवाइड करना है। जैसे कि फर्स्ट पार्ट मैंने x ले लिया है, ये देखो ये फर्स्ट पार्ट जो मैंने x ले लिया, तो सेकंड पार्ट कितना हो जाएगा, 16 माइनस x हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, टू टाइम्स द स्क्वायर ऑफ लार्जर पार्ट इज 164 मोर देन द स्क्वायर ऑफ स्मॉलर पार्ट। टू टाइम्स ऑफ स्क्वायर ऑफ लार्जर पार्ट, लार्जर पार्ट मैंने क्या किया था, x दिया था, x का टू टाइम्स मीन x को मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, टू टाइम्स ऑफ स्क्वायर ऑफ भी मैंने इसका भी स्क्वायर कर दिया, इज 164 मोर देन स्मॉलर पार्ट, 164 मोर देन स्मॉलर पार्ट। स्मॉलर पार्ट मैंने क्या लिया था, 16 माइनस x, इसका भी हमें स्क्वायर करना, दोनों तरफ स्क्वायर करने को बोला, क्वेश्चन ये बोला 164 मोर देन स्मॉलर पार्ट। तो यहाँ से हम इसको अगर 164 के इक्वल 164 ऐड कर लेंगे तो ये जो पूरी टर्म्स होगी किसके इक्वल होगी, ये लार्जर पार्ट के टू टाइम्स का हमें स्क्वायर करने उसके इक्वल होगी, ठीक है ना। तो यहाँ से जो है इक्वेशन क्या बन जाएगी हमारे पास, ये जो बन जाएगी 2x² = 16 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 164, ये जो हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी। अब इस इक्वेशन को आपको नॉर्मली क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करना है एंड आंसर फाइंड आउट करने, कैसे करोगे आप पहले क्या कर लो, थोड़ा मैं सिंपलीफाई करके दिखा देता हूँ। 2x² लिखोगे इधर, यहाँ से इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करोगे, ये a माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूला में इसको एक्सपेंड करना, कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर मीन 16 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए कितना देर का 16 इंटू बी कितना देर का है x, फिर क्या देर का प्लस का बी स्क्वायर, प्लस का बी स्क्वायर बी कितना देर का यहाँ पे x, x का स्क्वायर, और यहाँ पे क्या देर का 164 का एंटी लिखना है। ओके यहाँ से आपको 16 का स्क्वायर कर लेना, कितना हो जाएगा 2x² = 16 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 256, कितना होगा 16 का स्क्वायर कर लीजिए, चलिए यहाँ से जो है इन सारी टर्म्स को इधर भेज दीजिए 2x² है, यहाँ से x² इधर आ जाएगा तो माइनस का x² हो जाएगा, 2x² में से x² माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा x², ओके, फिर माइनस ये टर्म्स हमने उधर भेज दी, इसको कुछ नहीं करना है, माइनस का 32x इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस का 32x एंड अब देखिए प्लस का 256 एंड प्लस का 164, इनको दोनों को ऐड कर लीजिए, 256 एंड 164 कितना हो गया 10, 1 कैरी, 6, 12, 1 कैरी, 3 एंड 4, 420। तो ये जो 420 आ रहे हैं दोनों को ऐड करके कितना हो गया 420, ये प्लस का है, इसको हम इधर ट्रांसफर करेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस का, तो क्या लिखोगे माइनस का 420 इक्वल टू, पूरी इक्वेशन को जीरो के इक्वल कर लोगे,
यहां से ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में कन्वर्ट हो गई है, अब यहां से x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेना और जो पूछा यहां पे पुट करके आंसर निकाल देना, ये बन जाएगी, ठीक है ना। इजीली आपको क्या करना है, डिस्क्रिमिनेंट लेके ही करना है, यहां पे फैक्टर करने मत लगाना, डिस्क्रिमिनेंट लगाना, सीधे दरचारी वाला फार्मूला लगा लेना और इसको सॉल्व कर लेना, ठीक है। यहां से जो है आपके इसको ax2 bx c के इक्वल कर लेना, यहां से a जो आ जाएगा वो कितना होगा 1, b कितना हो जाएगा 32 एंड c कितना हो जाएगा -420। बस ये देखकर डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट कर लो, सीधे दरचारी फार्मूला में अप्लाई कर लो और जो x की वैल्यू आ जाएगी इधर वापस इक्वेशन में पुट करके जो आप फर्स्ट नंबर है और सेकंड नंबर है दोनों फाइंड आउट कर लोगे। ओके, आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे एक्सरसाइज 3.5। थैंक यू।